अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो चार लोग? ठीक ठाक है? सबको मेरी अगर आवाज आ रही है तो जरा थंब प्रेस करके दिखाइए, बताइए मतलब आ रही सबको आवाज? अच्छा, किसी भी एक बच्चे का माइक खोलो, मुझे बताओ जरा लास्ट क्वेश्चन क्या चल रहा था। ये तो पता 2.5 चली थी, क्वेश्चन क्या चल रहा था? कौन है सर? क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 3। अच्छा, कौन बच्ची कौन है? सेवन है। सेवन बेटे, पहले होता है सलाम, पार्ट 3 आपने होमवर्क दिया, पहले होता है सलाम, फिर करते हैं कलाम, सही है मेरे बेटे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची। अच्छा, पार्ट 3 आप लोगों को होमवर्क दिया, कर लिया ना आप लोगों ने? जी सही, पार्ट 3 कर लिया है मैंने। सही बेटे मैंने, अल्लाह हाफिज, टाटा भाई, बंद करो शाबाश। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, हमने 15 के लिए 15 कराया है क्या था? 15 नहीं कराया, 15, 17, 18, 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 20 इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्या बेटे? इंतहाई इंपॉर्टेंट। 15 भी इंपॉर्टेंट है, 17 भी इंपॉर्टेंट है, पर 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, 19 भी इंपॉर्टेंट है, 20 भी इंपॉर्टेंट है। अब तब चलो 15 पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है इंग्लिश में क्या बोल रहा है? बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है ना, कि बोल रहा है? हां चलो ठीक है। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, विच पास थ्रू द पॉइंट -3 और 2। वो जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड इट सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 1/2। इंग्लिश बोलना है, गलत इंग्लिश बोलना है बेटा, तवज्जो जरा। सही है दोस्त, कुछ ऐसी कहानी है, मैंने कॉर्डिनेट बना दिया आपको। बोला एक लाइन है जो पास हो रही है इस पॉइंट से, पॉइंट क्या दिया आपको? -3, 2। बड़ा लिख देता है मेरे साथ, इस पॉइंट से पास हो रही है। उसके बाद उसने क्या बोला है? ये जो पॉइंट है ना, ये इन दो एक्सिस को 1:2 में, कितने बच्चों? 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट है इन दो एक्सिस को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। बुक में साफ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, पोर्शन ऑफ इट बिटवीन एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट। कौन सा पॉइंट ये दिया हुआ है? किस रेशियो में? 1:2 में। ये जो पॉइंट है इन दो एक्सिस को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब सवाल देखो, आपने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। यहां पे लाजमी सी बात है, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, पर वाई क्या होगा? शून्य पे सवाल होगा। एज इट इज यहां पे वाई शून्य पे होगा, और सॉरी एक्स शून्य पे होगा, वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ऐसा ही वाई एक्स है, एक्स जीरो होगा, वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी। आपने फाइंड क्या करना है? इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है बस। सवाल कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है? थम्प्रेस की थी, नहीं समझ में आया हैंड रेज की थी। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको बात समझ नहीं आई है वो हैंड रेज करे और सवाल पूछ सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, बाकी सबको क्लियर आ रही है? अगर बाकी सबको क्लियर आ रही है तो जरा थम्प्रेस करके बताएं। बाकी सब क्लियर आ रही है? सबसे कंपेयर किया सही है। असल मेरे बच्चे तुम्हारे नेट का इशू होगा लाजमी, इसका मतलब यह है कि आपके नेट का इशू सही। अब देखिए भाई, सात रोज में आगे कंपेयर कर रहे हो, अपने अच्छी बात है। अब देखिए जरा क्या बोले, ये पॉइंट पी है, इसको हम कह रहे हैं एल, इसको कह रहे हैं एम,
नाम देने में क्या है? नाम तो हमने अटल ही रखा है, नाम के नाम देने में क्या है? लेट बी माय थ्री और टू इज द पॉइंट। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी रेशो का जिक्र होगा, बात किसकी हो रही है, कौन से फॉर्मूले की? पॉइंट ऑफ डिवीजन के। लेट बी इज द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट इन द विच डिवाइड द जॉइंट। जॉइंट क्या हमारे पास एल, हमने कह दिया ए और जीरो है, एंड एम कह दिया हमने जीरो और बी। इन द रेशियो, इन द रेशियो एम वन एम टू इक्वल टू वन रेशियो टू बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर्मूला देखिए, इंतहाई मासूमाना फॉर्मूला है। एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन बाय टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। समझ दीजिए भाई, पी कितना आपके पास? माइनस थ्री और टू। एम वन कितना आपके पास? वन। एक्स टू कितना मेरे बच्चों आपके पास? ये आपके पास एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू। एक्स टू कितना? शून्य प्लस। एम टू कितना? टू। और एक्स वन कितना? एक अपॉन वन प्लस टू। एज इट इज एम वन वन है, वाई टू आपके पास बी है, एम टू आपके पास टू है और वाई वन आपके पास शून्य, वन प्लस टू। तो बेटे ये कुछ इस तरीके से डिजाइन बन गया है, शून्य टू ए थ्री बी शून्य थ्री। समझ लीजिए, ये बचा हमारे पास पी माइनस थ्री और टू इक्वल टू टू ए अपॉन थ्री और ये हो गया बी अपॉन थ्री। हम क्या कर लेंगे? इक्विलेट कर लेंगे। इक्विलेट आपको पता है माइनस थ्री इक्वल टू टू ए अपॉन थ्री और टू इक्वल टू बी ओवर थ्री। तो ये हो गया माइनस नाइन इक्वल टू टू ए, ए इक्वल टू माइनस नाइन ओवर ए पर टू। अब यहां पे क्या हो गया? टू थ्री दस सिक्स बी, बी इक्वल टू सिक्स। ये आपके पास आ गया। आपने क्या फाइंड करिए? इक्वेजन ऑफ स्टेट लाइन। सो द रिक्वायर्ड इक्वेजन एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू वन। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट भी आ गया, वाई इंटरसेप्ट भी आ गया। एक्स अपनी जगह पे एज इट इज माइनस नाइन ओवर टू और प्लस वाई की जगह वाई एज इट इज बी की जगह पे सिक्स इक्वल टू वन। ये टू यहाँ डिवाइड पर आया, क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया माइनस का टू एक्स ओवर नाइन प्लस वाई ओवर सिक्स इक्वल टू वन। भाई देखिए कैलकुलेटर आप लोग के पास है, कर लीजिएगा जो भी आ रहा है। नाइन और सिक्स ना तो क्या हो जाएगा? थ्री थ्री नाइन नाइन टू एटीन, ये आपके पास एटीन आया और उसे तो मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? फोर माइनस फोर एक्स सिक्स प्लस
3y इक्वल टू 1, ये मानता है क्या होगा, माइनस 4x प्लस 3y इक्वल टू 18। बेटे अगर ये आंसर आ रहा है तो मुझे बता दीजिए, माइनस प्लस को एडजस्ट कर दीजिए, यही बुक के पीछे आंसर है तो ठीक है, ये वरना कैसे भी लिख सकते हैं, 4x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक है बुक के पीछे तो बताइए, जल्दी से बताइए, शाबाश। अल्लाह शाबाश दोस्तों, जल्दी से बताइए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा, खामोश लम्हे, यही आ रहा है, ठीक है मेरे बच्चे, बकौल ऐसा कि भाई यही आ रहा है, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए, मलाइका नहीं बोलने, दो हो गए, दो शहादत मिल गई है, एक शहादत और चाहिए भाई, अमन क्या बोल रही है, तू क्या दूसरी वाली बोल रही होगी, दूसरी वाली, तू का मतलब दूसरी वाली, शाबाश अमन, ठीक है भाई, तीन शहादतें मिल गई काफी है, कल ईद होगी भाई, तीन शहादतें मिल गई, चांद देखने की, चलो भाई आगे बढ़ते, राइट हो गया फटाफट, फिर आगे बढ़ते, शाबाश जल्दी राइट हो गए, क्या क्या है, बेटे माइक खोलिए, बेटा आवाज आ रही है आपको, शेरदिल मेरे बच्चे तुम्हारे नेट का इशू है, अर्सल का भी नेट का इशू है, दोनों के, बाकी बच्चों का सब कुछ क्लियर आ रहा है, बेटे बाकी को क्लियर आ रहा है तो एक बार कंप्रेस कर दीजिए, वॉइस या वीडियो में अगर कट के आ रही है तो बताइए मुझे, अगर आ रही है तो हैंड रेज कीजिए, अगर नहीं आ रही तो कर दें, ताकि सबको क्लियर हो जाए जो बच्चे देख रहे हैं, और असल तुम्हारा बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ, असल बेटे तुम्हारी वाइफ बेहतर हुई, असल की तुम दिखाओ क्या बोल रहे, सही हुआ, थोड़ा सही हुआ बेटा, असल नेट इशू है मेरे बच्चे, शेर जो है वैसे तुम्हारा भी नेट का इशू है, दुआ करेंगे अल्लाह पाक बेहतर बनाए, राइट डाउन हो गया, कॉन्टैक्ट कीजिए भाई, जामीन का माइक खोले, हाँ भाई यामी आवाज आ रही है, माइक खोले, जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, समझ में आ रहा है तुम्हें, जी सर आ रहा है सर, ये इंटरनेट प्रॉब्लम है सर, पता नहीं कहाँ से कुछ नजर ही नहीं आ रहा बिल्कुल, अरे अल्लाह खैर करे, बस तुम रिकॉर्डिंग लेक्चर देखना, बस बातें मेरी सुन लो, जो ठंडी ठंडी कर रहा सुन लो, सही है जी, ठीक है, देख लेना, ठीक है, ठीक है सर, सही है, हाँ तो माशा बेटे हैंड रेज कर रही हो, बोलो, चले मैं राइट डाउन कर लिया, कंप्लीट कर दे, मैं आगे बढ़ते, शाबाश जल्दी से एक बार फटाफट, सही राइट डाउन हो गया, मतलब बाकी बच्चे मेरी बातें सुन ले, कभी कभी अच्छी भी कर लेता हूँ,
अच्छा भाई देखो, मैं तुम लोगों को बार बार यही बोलूंगा बेटे, मेरी बातों को बहुत गौर से सुना करो, मुझे खुद नहीं पता होता कब काम की बात कर जाऊं मैं, ठीक है? तो ये बड़ा संजीदा मामला है, समझ लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 17 इंतहाई मासूमाना क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन, आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन जो है वो पास हो रही है ए और बी से, सच दैट द पोर्शन ऑफ स्टेट लाइन बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। मतलब कुछ ऐसी कहानी है जीरा, वो पॉइंट है आपके पास ए और बी। बेटे ये वो पॉइंट है, बेटे ये पॉइंट वो पॉइंट है जो इन दोनों एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? बीच में से डिवाइड कर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है वो आपका क्या बन गया? मिड पॉइंट बन गया। बाइसेक्ट का मतलब क्या? बीच में डिवाइड करना। ये वही आपका पॉइंट है, इसको आपने कुछ भी कह दें, एल कह दिया आपने, ए कुछ ना कुछ ए तो दिया होगा, पर ए नहीं दे सकते क्योंकि यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको सी कह दें और ये जीरो हो गया, इसको एल कह दें, इसको एम कह दें, ये हो जाएगा जीरो और बी। मतलब आपने अब क्या फॉर्मूले के मुताबिक, फॉर्मूले पहले क्या होता है ए और बी होता था, पर यहां पे आपके क्या हो चुके, इंटरसेप्ट को मैंने चेंज कर दिया है, ए की जगह आएगा सी और बी की जगह आएगा डी, क्योंकि इंटरसेप्ट चेंज हो गए, पॉइंट अपने आपको क्या दे दिया, ए और बी दे दिया। ये बात अगर समझ में आ रही है तो जरा थंब प्रेस करके बताइए, नहीं आ रही हैंड रेज कीजिए, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मेरे इसमें हुआ क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चे, हम प्रेस कर रहे हैं, नखरा तो नहीं कर रहा कोई, ये तो काफी देर से एड्रेस कर रही है। हाँ बेटा ऐसा बोलो, कोई जरूर नहीं सुन रहा, अरे बोलो बोलो सर, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा समझा दें। ये वाला क्वेश्चन जी सर, तुमने बहुत पहले एड्रेस किया था, तुमने समझाना ही शुरू किया था, अल्लाह की बंदी। नो सर, ये मुझसे गलती में हो गया था पहले, अभी मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है, अब गौर से बात करना बेटे, सवाल क्या है, सवाल ये है कि दोबारा समझा रहा हूं, एक लाइन है जो एक्सिस से पास होते हुए इस पॉइंट से पास हो रही है ए और बी, और बोले ये जो पॉइंट है ना ये इस एक्सिस के दरमियान है, मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट कर रहा है ये दोनों पॉइंट एक्सिस को, ये पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस लाइन पे मिड पॉइंट हो जाएगा, ये क्या आपके पास वाई इंटरसेप्ट, इसको मैंने एल का नाम दे दिया, वाई इंटरसेप्ट है मतलब एक्स को ऑलरेडी यहां पर अंडर थोड़ा जीरो होगा और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मैंने इसको डी कह दिया। असल में वाई इंटरसेप्ट होता है क्या, बी होता है, पर मैंने बी क्यों नहीं कहा, क्योंकि बी क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया और अपने, इसलिए मैं तो बी नहीं कह सकता, दोनों बी हो जाएगा तो मैं डिफरेंस कैसे करूंगा, ये कौन सा मिड पॉइंट वाला है कौन सा वाई इंटरसेप्ट वाला है, आ रही बात समझ, बिल्कुल एल का है तो स्वयं कहते भी बढ़ता है ना, तो यहाँ पे एक्स पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मैं ठीक कह दिया और वो वाई इंटरसेप्ट वाला अंडरस्टूड जीरो होगा, बस इतनी सी बात है। आपने क्या फाइंड करना है, इस ये जो लाइन है ये वाली ये जा रही है, आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, बस इतना का काम है। अब देखो भाई मेरे बेटे सुनो और सवाल, किसी भी मेरे बच्चे को कोई सवाल है समझ नहीं आ रही बात, एड्रेस कीजिए, सवाल कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17, लेट पी ए बी इज द मिड पॉइंट बिटवीन एल
और जीरो एंड एम जीरो और ये क्या है मिड पॉइंट है किनके दरमियान इन दोनों के दरमियान बाय यूजिंग फॉर्मूला मलाइका मेरी बच्ची बात समझ में आ रही है तुम्हें लाइबा बेटे शेरदिल नेक्स्ट सही हो तुम्हारा भाई जिसको बात समझ नहीं आ रही मेरे बच्चों एमन बेटे अगर बात समझ नहीं आ रही हैंड रेस करें पूछे हिचकिचाइएगा मत बिल्कुल भी जितने की शर्म उतने फूटे गर्म नहीं है बार बार बता रहा हूं तो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए अच्छा ये आ गया आपके पास एक्स वन क्या है सी एक्स टू क्या है शून्य वाई वन क्या है शून्य वाई टू क्या है डी और ये जो पॉइंट है आपको ए और बी दिया हुआ है सी अपॉन टू डी अपॉन टू इक्वलेट कर ले इसको क्या हो जाएगा ए इक्वल टू सी अपॉन टू बी इक्वल टू डी अपॉन टू तो यहां लिख रहा हूं सी इक्वल टू टू ए और डी इक्वल टू टू बी सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन मात्रा में ही है नहीं तो घर वाली चाहिए दूसरा मार्क ले आइए सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स ओवर ए होता है पर हम क्या लिखेंगे सी बिकॉज हमने वाई इंटरसेप्ट सी को कहा एक्स इंटरसेप्ट सी को कहा हुआ है प्लस वाई ओवर बी होता है पर हम क्या लिखेंगे डी इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू सी कितना है टू ए डी कितना है टू बी एलसीएम क्या आ गया टू ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बी एक्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये क्या हो गया ए वाई ये टू ए बी आएगा मल्टीप्लाई आएगा बी एक्स ए वाई इक्वल टू टू ए बी इसमें ही मत रहिएगा इसमें ही मत रहिएगा बेकार हो गया मतलब फेंकने वाला हो गया फिर या इसके अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है हैंड रेज कीजिए और सवालात कीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है हैंड रेस कीजिए सवालात कीजिए समझ में आ गया है खुदा ना खास्ता तो थम्प्रेस कर दीजिए बेटे मलिया बेटा समझ तो नहीं आया साकेत बेटा समझ तो नहीं आया भाई कहाँ हो गया था कि सन्नाटे में भाई अब को दिखाने के लिए नहीं आया क्लास के अंदर पीछे गेम खेल ले तुम ये लड़का तो कसम खा के बैठा है कि जवाब नहीं देगा ताकि उसका नाराजगी हो गई लग रहा है अब इन लाई बात समझ में आ रही है बच्चे लाई बेटे बात समझ में आ रही है समझ करो यामीन कर रहा है नूर करो ठीक है दोनों में कर दिया नेट इशू है मेरे खास से बच्चों का और कौन है भाई उमैना मेरी बच्ची तुम तो बिल्कुल खामोश हो कहाँ गए वो समझ ना आ रहा है कंपेयर करो इसमें बेटी समझ ना आ रहा है उमैना और इसरा
मैं दावा सुन रहे तो शाबाश ठीक है। अगर आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया है तो थंब प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इसको मिटा दूं। आगे बढ़ते हैं फिर हम 7 मिनट रह गए हैं ताकि एक और क्वेश्चन कर दें। सही है भाई, मलाइका ने कर लिया है, बाकी भी जल्दी लेकर बताएं। सही है भाई, मेरे ख्याल से 50% स्टूडेंट ने कर लिया है, मैं इसको मिटा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। सही बच्चों, अब बच्चों हमारे रह गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 3 भाई बहन है, सही बेटे। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई बहन है? नकीब ने मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में सवाल किया था, सर ये टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इक्वल टू टेन थीटा वाला। मैंने बताया था जब भी आपके पास एक लाइन हो और एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ वही लाइन एंगल बना रही होगी तो हम क्या करेंगे स्लोप का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एम इक्वल टू टेन थीटा वाला। अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है इक्वेशन बना रही है। इंतहाई माकुमाना क्वेश्चन है, पॉइंट दिस आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। सुनिए बात, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। थीटा आपको दिया हुआ है कितना, अल्फा प्लस और 90 प्लस अल्फा, सही है। और पॉइंट दिया हुआ आपको, यू कॉस अल्फा और यू साइन अल्फा। आपको पता है पॉइंट पता हो, एंगल पता हो, स्लोप, सॉरी पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, इक्वेशन बन जाती है। हमें एंगल पता है, स्लोप नहीं पता, हम एंगल स्लोप निकाल लेते बराबर। एज यू नो दैट एम इक्वल टू टेन थीटा, थीटा कितना 90 प्लस अल्फा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं रफ में बता रहा हूं, दिल करे इसका तो सॉल्व कर लेना, टेन 90 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन 90 और माइनस 1 माइनस टेन 90 और टेन अल्फा। ये जरा टेन 90 देख के बताना, मेरे ख्याल से मुझे जो याद पड़ रहा है वो होता है बताऊंगा कैसे आ रहा है। तो ये बच्चा 1 प्लस टेन अल्फा और टेन 90, यहां पे भी क्या मैंने 10 90 कॉमन लिया तो हो गया 1 ओवर 10 90 माइनस 10 अल्फा। बस 90 से 90 कैंसिल, 1 प्लस 10 90 कितना होता है बेटे 1 ओवर 0। क्या होता है 1 ओवर 0। अच्छा कौन, चलो भाई सुनो बात, बात ये आ गया 10 90 कितना होता है भाई 1 ओवर 0 आ गया। और ये कितना होता है 1 ओवर 0, 1 तो एडिट नहीं होने वाला, 10 90 कितना 1 ओवर 0 माइनस 10 अल्फा। देखो बच्चों ये क्या होगा, ये जब 0 पर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 1 बचा प्लस 0, ये तो खत्म हो जाएगा 0 0 हो गया माइनस 10 अल्फा। तो मैं सीधा क्या लिखता हूं डायरेक्ट, बच्चा मेरे पास क्या 1 ओवर माइनस 1 ओवर 10 अल्फा, तो ऊपर जाएगा माइनस कॉट अल्फा। तो मैं इसको लिखने के बजाय डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूं माइनस कॉट अल्फा। इतना लंबा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया मैंने डायरेक्ट। इसके एक बोला था अभी फर्स्ट टाइम में करके आ चुके हैं,
फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 13.1 जब आपने स्टार्ट किया था उसके अंदर ये मौजूद था, 10.1 के अंदर आप सारी चीजें करके आ चुके हैं। बाई रिंग फॉर्मूला, भाई क्वेश्चन 19-20 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होंगे। कल हमारा इंशाल्लाह 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 चैप्टर 2 कंप्लीट, फर्स्ट टाइम बताना कितना रह गया, चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, 30 मिनट रह गए, कल इंशाल्लाह चैप्टर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट कल जो कराऊंगा दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, और कल ही मैं चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूले भी लिखवा दूंगा, तो इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करिएगा। वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस बेटा ये रहा x1, ये रहा y1, बेटा y1 कितना आ गया म्यू साइन अल्फा, और स्लोप किया क्या आ जाएगा माइनस कॉट अल्फा, और x माइनस x1 कितना है म्यू कॉस अल्फा। बेटा कुछ सारे के सारे साइन और कॉस में बात हो रही है, तो इसको भी आप क्या करो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो ताकि बात एक जैसी हो जाए और कॉस हो जाए, तो क्या होता है माइनस मल्टीप्लाई करो चल रहा क्या हो जाएगा वाई साइन अल्फा हो गया माइनस म्यू साइन स्क्वायर अल्फा, बाहर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो एक्स माइनस एक्स कॉस अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया म्यू कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर वाले साइड करें और उसको इस तरफ करते हैं, ये माइनस का क्या होगा प्लस का एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू, ये माइनस का रहेगा क्या होगा प्लस का म्यू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस म्यू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो भाई जरा एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा, ये अल्फा भाई इन दोनों में कॉमन क्या है म्यू कॉमन आ गया, क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साठ टाइम बना बिल्कुल एक्स्ट्रा कितना रह गया एक मिनट रह गया भाई, अगर किसी को कोई सवाल है हैंड रेज कर ले, वरना अगर टाइम यहां ना मिले तो ग्रुप आपके पास मौजूद है, ग्रुप में सवाल कर लीजिएगा, यहां पर सवाल कर लेंगे तो फायदा हो जाएगा दूसरों को भी। कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू कितना बचा म्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसके कौन सा वन के इक्वल, अगर इस टाइप में लिख लीजिए कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू म्यू। बच्चों ये हो गया मेरी तरफ से कंप्लीट, किसी को कोई सवाल है हैंड रेज कीजिए, पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है, आराम से उसमें सवाल कीजिएगा, किसी को कोई सवाल बिला झिझक पूछे। अच्छा बेटा बात समझ में आ गई, संप्रेस कर दो अलविदाई, संप्रेस कर दो संप्रेस के बच्चों ने, शाबाश मेरे बच्चों, कल दो क्वेश्चन रह गए और दोनों ही इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, आज भी जो मैंने कराया है दोनों इंपॉर्टेंट है, आज मैंने आपको कराया क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 18 तीनों, तो 15 और 17 बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, क्वेश्चन इंशाल्लाह कराऊंगा 19 और 20 ये दोनों ही पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है।